हेलो, संतोष किचन फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दे रही हूँ किचन के कुछ यूजफुल टिप्स। एक टिप मेरी ये भुट्टे के दाने जो निकले हुए मिलते हैं बाजार में, इसको लेकर है, इनको आप घर पे आराम से पॉपकॉर्न बना सकते हैं। देखिए, एक कुकर लेंगे और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ घी। आप चाहे तो इन्हें बटर में भी बना सकते हैं। अभी लॉकडाउन है, मेरे पास बटर नहीं था, तो मैं इसलिए देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी में भी ये काफी अच्छे बन जाते हैं। देखिए, जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें नमक भी डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, और जो ये भुट्टे के दाने हैं निकले हुए, मैं इनको भी डाल दूंगी। अब इनको थोड़ा सा चला देंगे जिससे घी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से गीले होने चाहिए तभी ये अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे पॉपकॉर्न बनने वाले हैं। ये पता भी नहीं चलता ये हमने बाजार से लिए हैं या घर में बनाए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इनको गर्म होने देते हैं। अभी मैंने गैस हाई फ्लेम पर रखी है, वो तो थोड़े से गर्म होने लगेंगे तो मैं इनका ढक्कन रख दूंगी। ये देखिए, फूलने लगे हैं। अब हम इसको ढक देते हैं और गैस मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। तब तक इसमें आवाजें आती रहेगी फूलने की, तो इसको चलने दीजिए, और जब लगे बंद हो गई है तो आप इसको खोल दीजिए ढक्कन को। देखिए, पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। जब इसमें आवाजें आनी बंद हो जाए तो समझिए ये बन गए हैं। बिल्कुल एक टू पॉपकॉर्न की तरह ही ये बनते हैं। इजी भी है बनाना इसको, 3-4 मिनट में ही ये तैयार हो गए हैं। चलिए, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए, पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। और बच्चों का जब भी मन करे आप लाकर रख लीजिए, जब भी मन करे बना कर दीजिए। एक टिप मेरी, ये गुलाब जामुन का जो सिरप बच जाता है चाशनी, इसको लेकर है, इसका हम क्या करें। देखिए, गुलाब जामुन सब खत्म हो जाते हैं, सिरप बहुत ज्यादा होता है जो हम बाजार से रेडीमेड लाते हैं, तो मैं इसका कैसे यूज करती हूँ ये मैं आज आपको बताऊंगी। चार पांच ब्रेड ले लीजिए, जितनी चाशनी है आपके पास उस हिसाब से इस तरह पीस बना लीजिए, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। ट्रायंगुलर में बनाने हैं तो उस तरह बना लीजिए, स्क्वायर में बनाने स्क्वायर में बना लीजिए। ये देखिए, एक पैन लेंगे और इनको हमें घी में ही तलना है। जो ब्रेड हमने काटे हैं इनको घी में ही फ्राई करिए, थोड़ा सा हार्ड करिए, हल्का सा ब्राउन, फिर हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। अब हम इस तरह डालेंगे। ये देखिए, इस तरह हल्का ब्राउन करना है इन्हें हमें, बस हम निकाल लेंगे और जो चाशनी हमारे पास एक्स्ट्रा बची हुई है पहले से, उनमें इन्हें हम डिप कर लेंगे। ये देखें, मैंने सब ये फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको इस बची हुई चाशनी में इस तरह डिप करेंगे, डाल के छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। सभी को इस तरह डाल के तुरंत निकाल लीजिए। ये देखिए, ये बनके तैयार है मीठे टोस्ट।